रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड हिंदी अनुवादक अध्याय दो सबक एक। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझता सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाले नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। 3रे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक में पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्हें मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया था। स्टोर में क्या चला रहे यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी ओर माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास में मैदान में टहलने लगे जहां कुछ वयस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्हें माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चला रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को नामय एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भारी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मुँह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाले 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊँ। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्द में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठ रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातों सुनने में कठोर और कड़वी लग रहे थे परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया। जब भी असल में ऐसा ही हुआ था, 1 घंटे का काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती है। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था
मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नए साइकिल दिखा रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ जाएगा, परंतु मन ही मन मैं $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर वह बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। मम्मी डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चय होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटा। अचानक मेरे अंदर शांति छा गए। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिनने चुनने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपने बाई तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा को जो हिस्सा कमजोर और ज़रूरतमंद था वो खामोशी हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीद नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोग की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कहीं मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा भी भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे की खरीद जा सकते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे भी दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, मम्मी डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया है। इस बार में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है,
मम्मी डैडी ने कहा, इसकी बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने का बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वो उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच्चा नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनको मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों की ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं देखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्हें आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसे जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसा न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है, इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब वो जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसकी खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे।
उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहे हैं। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोने चाहते जो पैसे से खरीदे गए हैं। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, मम्मी डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारे मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों की दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बुड्ढे को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला जाए आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सी दुआएं दी और अपनी इच्छा किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उसी कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यह कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समस्या बर्बाद हो जाएगा, मम्मी डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलाया मान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। आहा, माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेगी, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, मम्मी डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है कि पैसा न होने का डर। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे के कभी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए,
ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसकी बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है, परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों के इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, वे घबराए हुए कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपये कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे के डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनकी कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस चाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोग के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अम्मी डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से, इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता, तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़े तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस चाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होते हैं, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोग को इसी जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों का स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह के काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे, पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असली असर डालती है? मैंने पूछा, तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रहे थे? हमने अपने सिर ढिला कर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं कर लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमने हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो।
और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे यह सोचते हैं नहीं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहा है। यह तो वही बात हो गए जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कड़ी और खिलौने के सामने सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागते हैं? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्त पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है, यही जाल है। तो इसका काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता है तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सके और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सके। हर समाज में शिक्षा को डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइया, व्यवसायिक लोगों, पुलिस ऑफिसरों, दमकल कर्मियों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। मम्मी डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोग के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षा उनके शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ, मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भुलाना। अगर अब तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े चाल में फंसा सकती है। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोच जाए कि पैसे से खरीदे गए चीज सुख दे सकती है। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जितना है। यह सोचना है कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है,
खुद से झूठ बोलना है, यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगी को चलाता है, ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गए। मम्मी डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का ज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, मम्मी डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसके फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होगा। फीस बढ़ा देते हैं, चूँकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनकी सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमती नहीं बढ़ानी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं, कीमती दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमती अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूल में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यह बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? हाँ, अमीर ने कहा, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बिन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है, जब कोई बिन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घाट घोर देते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बिन काउंटर्स से काम लेता हूं। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम किया जाए और कीमत कैसे बढ़ाया जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बिन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, मम्मी डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई हाल है, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर ने कहा, सोचने के लिए आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखने ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पेंच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बसते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोग को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे की कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा।
वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था। मम्मी डैड ने कहा, टार बेबी से आज़ादी, क्या ऐसा कोई ब्रायर पंच होता है? मैंने पूछा। हाँ, मम्मी डैड ने कहा, डर और लालच ही ब्रायर पंच होता है। अपने डर से पीछा छुटाकर, अपने लालच का सामना करके, अपने कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं, और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। विचारों को चुनने से, माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसकी कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहे। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपने सुबह के काफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत है। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोग के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़ी समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने बिल, यानी टार देवी। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसा को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके, क्या कोई दूसरा तरीका है? इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनाता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हैं और किसके शब्दों में विचार, यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों से या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो हम अम्मी डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्हें यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था, सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यही भी कहा होता है कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है,
जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज में। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा कर रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं देंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब मध्य वर्गीय और ना समझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि यह भरोसा करते रहेंगे कि धन की ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रहे थे, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पत्ते की बात। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम पैसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भापने में कामयाब हो जाओगे उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भाप सकते थे। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपना चार्ज उठाए और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार गए उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। दो सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने की में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रहे थे, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड में डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करते हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह एक घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने एक घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल जा सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था।
हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर लिए। जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस से के बहुत से बच्चे इसकी ग्राहक बन गए और वे जितने कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रख सकती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठे करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरी नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें, तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसा से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपने कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था, हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक में मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय में हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी।